वाईफाई लगा लो? नहीं नहीं लगेगा, रखो यहाँ बल्ले कमेंट्री तुम दे रही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। तो गाइज, आपने देखा होगा कि सना खान ने एक वीडियो बनाई थी जिसने उन्होंने अय्यूब शेख की कुछ बातों के ऊपर नाराज़गी जताई थी। तो उन्हीं बातों का में से एक बात जो थी वो थी कि सना खान ने एक चीज़ का खुलासा किया था कि अय्यूब शेख और सारा सत्तानी को हज पर भेजने के लिए एक शख्स है जिन्होंने पैसे भी दिए थे, लेकिन उन्होंने उनके पैसे को खा लिया या फिर जब्त कर लिया और उन इंसान को भी धोखा दे दिया। तो उन्हीं के साथ अय्यूब शेख जी अभी लाइव आए हैं और उन्होंने उन सब बातों को सामने रखा है जो सना खान ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि वो उसी आदमी जो जिन्होंने उनको पैसे दिए थे उनके साथ लाइव आए थे। और उन्होंने वहाँ पे खुलासा किया कि उन्होंने कुछ भी ऐसा पैसा नहीं दिया था और अय्यूब शेख ने कोई भी पैसा नहीं खाया, और जो भी बात हुई थी वो सिर्फ उन दोनों को, सारा सत्तानी और अय्यूब शेख को एक करने की बात हुई थी, वहाँ पर पैसे की बात कुछ भी नहीं हुई थी। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने पक्ष में सामने रखी है। अब देखते हैं इसके ऊपर सना खान का क्या रिप्लाई आता है। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहना। और इसके साथ साथ ही अय्यूब शेख ने यह भी चीज़ बात की कि वो सना खान और इमरान के साथ क्यों लाइव में नहीं आ रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि अब वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, अब हर दिन लाइव में बैठने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि अब इन सब पत्थरों से थोड़ा दूर रहे। और उनको किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, ना इमरान को बुरा बोलना है, ना सना को बुरा बोलना है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा इस मैटर से दूरी बना के रखें, क्योंकि वो अब इन सब चीज़ों से पक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो इन्होंने जो उनको लगता था कि यहाँ पे उनकी एक कोई सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने इसीलिए वो लाइव में आकर उन्होंने ये सब चीज़ें रखी थी। थैंक यू सो मच।